Hey guys, welcome and welcome back to my channel in Glowing World. So guys, today's video is all about that how you can make your brows at home. Guys, you can see my brows जो कभी भी नहीं बनी है. And today I'm going to be share that how you can make your eyebrows without using any wax, any threading and any plucker etc. So yes, so let's go. मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी आईब्रोज बनानी है. तो सबसे पहले आप अपने टाई कर लीजिए हेयर्स को. ओके, तो मैंने यहाँ पे हेयर बैंड लगा लिया है. सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चाहिए एक आईब्रो ब्रश. तो आपको चाहिए ये वाला ब्रश. सो बेसिकली इधर इसका जो फ्रंट है, मतलब एक साइड है, इसमें कोम दे रखा है एंड अनदर साइड में एक ब्रश दे रखा है. तो सबसे पहले हम अपनी ब्राउज को कोम करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, सो नेक्स्ट आपको लेना है एक कोई सा भी लिप बाम. सो मैं ले रही हूँ ये वोरोवेव का लिप बाम. इट्स लुक्स लाइक दिस. तो मैं थोड़ा सा लूँगी एंड अपनी ब्राउज पर लगा लूँगी. ओके, एंड देन हमें फिर से कोई वाला ब्रश लेना है, आईब्रो ब्रश. एंड देन हमें कॉम करना है इसे अपर डायरेक्शन में. ब्रश से भी आपको अपर डायरेक्शन में इनको कॉम करना है. सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कोई भी आईब्रो शेड लेना. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईब्रो शेड दिस. ये है आईब्रो पाउडर वाइट टिंटिन. तो मैं इसके अंदर आपको टू शेड्स अवेलेबल होते हैं, वन इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ब्राउन. तो माय आईब्रो कलर इज ब्लैक, सो मैं ब्लैक यूज करूंगी. नेक्स्ट वी वांट अ आईब्रो ब्रश. सो ये एंगल ब्रश होता है, यू कैन सी इट्स लुक्स लाइक दिस. ये एंगल ब्रश होता है. तो हमें इस एंगल ब्रश को लेना है एंड देन हमें लेना है ये शेड. तो माय आईब्रो शेड इज ब्लैक, तो मैं ब्लैक लूंगी. सो आई एम जस्ट टैप इन टू इट लाइक दिस एंड देन डस्ट इट ऑफ. एंड मेरी जो ये वाली आईब्रो है, आप मेरी देख सकते हो, ये वाली थोड़ी सी यहाँ से भरी हुई है, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है. तो मैं बस एंगल्स करूँगी, मेरी बहुत थिक आईब्रोज है तो इस वजह से. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे लाइन नहीं है तो मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी. ओके, वेरी लाइटली, यू कैन सी लाइन. ओके, देन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे सर्कल करूँगी. आपको हेयर की डायरेक्शन में चलना है. ओके, यू कैन सी. अब आप देख सकते हो दिख रही है. हम थोड़ा सा और लेंगे एंड देन इस आईब्रो की बारी. आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा एम्प्टी है ये एरिया, तो ये ब्लैक होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे हेयर्स की डायरेक्शन में जाऊंगी. यहाँ पे एक सर्कल टाइप का राउंड दे दूंगी एंड देन यहाँ पे मैं एकदम शार्प दूंगी लाइन लाइक दिस. यू कैन सी मेरे जो दोनों आईब्राउज हैं साइड से एकदम लाइन में आ चुकी हैं. यहाँ पे लिटिल बिट कम है. सो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और शेड लेना है एंड देन आपको स्टार्टिंग की जो लाइन है ना, यहाँ पे हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे ब्राउ नहीं बनी हुई है. तो हम ये जो मिड में है तो यहाँ से करेंगे अपर डायरेक्शन में. अगर ज़्यादा आपको लग रहा है प्रोडक्ट, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है, तो आप पीछे लगा लो. आईब्रोज के हेयर्स हैं, उनकी डायरेक्शन में जाना है. हेयर्स की डायरेक्शन में आपको फॉलो करना है, दस से टॉप कुछ नहीं करना. इधर भी मैं सेम करूँगी.
ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है तो पीछे देन थोड़ा आगे लिटिल बिट या तो मेरी ब्राउज की शेप तो मैं दे चुकी हूँ। सो गाइज आफ्टर कम्प्लीटिंग माई शेप तो अब हमें एकदम क्लियर शेप देनी है। उसके लिए हम चाहिए कोई भी ब्रश, तो मैं ये ले रही हूँ ये वाला। दिस इज अ एंगल ब्रश, जो फ्लैट एंगल ब्रश है। ओके एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ले रहा है कंसीलर, कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास NYBF का रखा है तो मैं ले रही हूँ ये वाला। तो इग्नोर इट, इसका ऊपर का टॉप टूट गया था मेरे से। यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे शेपिंग देनी है तो आप वहाँ दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि इधर मुझे शेपिंग देनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट होता है जब ब्राउज बन जाती हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट स्पंज नहीं होता जस्ट लाइक टैप करते हैं, तो मैं बस टैप कर रही हूँ। ओके जस्ट लाइक दिस। ओके अब मुझे लेना है ब्रश, तो मैं ले रही हूँ ये वाला। तो हमें ये टैप करना है, आप याद रखो आपको ये बस टैप करना है, रैग नहीं करना, मतलब घिसना नहीं है। अगर आप करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके जो हेयर्स होंगे ना, तो जो हेयर्स अंदर दबे हुए हैं वो दबेंगे नहीं, वो बाहर आ जाएंगे। जस्ट टैबिंग और लिटिल बिट आगे भी ले लीजिए, जस्ट प्रोवाइड अ लिटिल बिट शेप। अब नीचे की तरफ तो आप पूरा लगा ही सकते हो। ऐसे ही हम इधर आईज पे भी करेंगे, इस वाली आई पे भी करेंगे, जस्ट टैप। देन आप आगे भी शेप दे सकते हो जैसे लाइक दिस। मैं जैसे दे रही हूँ, इक्वल होनी चाहिए, बात याद रखें इक्वल होनी चाहिए आपकी। जो यू कैन सी कितनी क्लियर शेप आई है। मैं आज ऊपर भी देने वाली हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे देनी चाहिए बट मैं देने वाली हूँ। तो आपको फिर से कंसीलर लेना है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपको देनी चाहिए तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट टैप करना। ओके मेन पॉइंट, ये जो आपके पॉइंट है इससे नहीं छेड़ना, बट मेरे हिसाब से तो आपको छेड़ने ही नहीं चाहिए। जस्ट टैप और पीछे की तरफ जस्ट लाइक दिस। आपको आगे थोड़ा सा देना है तो आप दे सकते हो। मैं इससे आगे एकदम फ्रंट पे कभी नहीं जाती हूँ क्योंकि फ्रंट एकदम नेचुरल होना चाहिए। थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी है तो आपको फिर से एक वही आईब्रो ब्रश ले लेना है एंड फिर से आपको पाउडर ले लेना है। सबसे पहले आपको इसे आईब्रो की शेप में आपको लेना है। आप देख सकते हो और यहाँ से भी जो एक्सेस लगा हुआ था वो रिमूव हो गया है। सो या यू कैन सी माय ब्राउज इज लुकिंग प्रीटी कूल। या सो इट्स कंप्लीट। सो गाइस यू कैन सी मेरी ब्राउज बनने के बाद किस तरीके से लग रही हैं। इट्स प्रीटी कूल, लाइक आई लव इट। That's it for today's. You can see कि हम बिना किसी चीज़ के भी अपनी आईब्रोज कितनी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। I hope you like this video. So guys, if you like this video, so please hit the like button. If you're new on my channel, so please subscribe my channel and hit the bell icon. And hopefully you like this video. And guys, please comment down below कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। Yes. Please. Okay, so we will meet in the next video. Till then, bye.